लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सक्यूज मी, बाजू उधर रखिए। आपकी कोनी मेरी साइड पे आ रही है। I'm sorry, आपकी कोनी मेरी साइड पे आ रही है। अंधे हैं आप? अंधी हैं आप? तमीज से बात कीजिए, मैं आपकी कोई डोरमैट वाइफ नहीं। आप तमीज से बात कीजिए, मैं आपका कोई हैंडपैक्ड हस्बैंड नहीं। अरे क्या कर रहे हो भाई, आंख ही फोड़ दोगे क्या? क्या कर रहे हो भाई साहब, क्यों टांग मार रहे हो सीट पे? सीट पे टांग पसंद नहीं, सर पे मारूं। So rude. Rude, मैं नहीं, आप है। मैं सीट पर लात मार नहीं रहा था, गलती से लग गई। ये आपकी लाइन है, हाथ उधर रखिए। आपने मुझे हाथ क्यों लगाया? मुंह से बात कीजिए। खाना गिरा दिया।
हैपनिंग दे। सर सर वो लोग मार डालेंगे एक दूसरे को, जल्दी आइए। माय गॉड, अरे शांत हो जाइए। अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ शांत हो जाओ। Oh my God! और तुम्हें क्या लगा यूं ही खिसक लोगे तुम अकेले? Excuse me? ये क्या बदतमीजी है? आप है कौन? देखो जी, हमें शिमले पहुंचना है कल 4 बजे तक। So क्या? हैं? पहुंचाओ हमें। Are you crazy? हम क्यों पहुंचाएंगे तुम्हें? क्योंकि ये फ्लाइट जो है ना आप ही लोगों की वजह से कैंसिल हुई है, समझ रही है ना? और ना तो यहाँ कोई टैक्सी है, ना ट्रक है, ना ट्रेन है, और ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं 2 दिन और इंतजार करूँ। अब अगर आप 80 किलोमीटर की स्पीड से चलाओगे ना तो कल 4 बजे तक तो पक्का पहुंच जाएंगे। चलिए चलिए। 4 बजे? 4 बजे क्यों? ओए तुझे क्या है, तू जल्दी गाड़ी चला वरना ले जाऊंगा अंदर, पब्लिक खसोट खाएगी तुझे, और उसे अगर बच भी गया ना तो पुलिस तो छोड़ेगी नहीं, कुत्तों की तरह खोज रही तुझे। सीधे बच्चू, इंक्वायरी शुरू होगी ना तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए 10 घंटे गाड़ी चलाने वाला हूँ तो भूल जाओ। ओए कान में तेल नहीं डालता क्या? स्टार्ट कर। कोई साइन भी नहीं है। आपको पता है? नहीं, मैप में भी पता नहीं चल रहा है। हे, उससे पूछते हैं। कैसे मार्ग बनाते हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
स्कूटर वाला चला गया मिस्टर राहुल बसीन, उसे पूछ लेते तो क्या जाता तुम्हारा उसे पूछने में। इतना ही था तो तुमने क्यों नहीं पूछ लिया मिसेस पूजा बसीन? वो तुम्हारी साइड पे था, मैं कैसे पूछती? पूछने से तुम मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी? 4 घंटे भटकना मंजूर है, 10 लीटर पेट्रोल फूंकना मंजूर है, कहीं भी लेट होना मंजूर है, पर पूछना? No way. I tell you. Never again. Never want to hear. I tell you. मेरा जो मन करेगा, जैसे मन करेगा, मैं बोलूँगी। I tell you. Now I tell you. नीचे उतर, मैं बैठूँगा बीच में। कहाँ चपड़ चपड़। चल इधर, और कोई लड़ाई नहीं करेगा, समझे ना? माथे पे चोट लगी है, पीछे पड़ी है बैंडेज। अरे कोई जरूरत नहीं जी इसकी। अरे एक मिनट राहुल। ए, सुना नहीं क्या? अरे इधर आओ, वापस वापस। एक मिनट में कुछ नहीं होगा। गैंगस्टर हो क्या? ये गन तुम्हें सिक्योरिटी ने अलाउ कैसे की? ओए पुलिस वाला मेरा बहन हुई है, इसलिए तुझे मतलब। ओए तू स्पीडोमीटर पे ध्यान दे, समझा ना? 50 से नीचे खिसक रही है सुई। पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे? वो भूख लगी और हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ ठीक है, 15 मिनट खाना खा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ 15 मिनट, समझे ना? और वो तुम्हारे सेल से एक फोन भी कर सकता हूँ, घर बताना है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है ना। अबे कंगले, फोन भी नहीं है तेरे पास? था, लेकिन पूछो इनसे कहाँ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ले फोन। और सुन, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना तो ऐसा गायब कर दूंगा पहाड़ों में कि चीलों को भी खबर नहीं होगी। मामा, हेलो। अरे अरे भाभी जी अलग क्यों बैठी हैं? Myself, जय धूमल। आप लोगों की नई नई शादी हुई ना अभी? लव मैरिज? अच्छा कब हुई? कब हुई नहीं, क्यों हुई पूछिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कोई भी शादी करता क्यों है? हर साल 190,000 करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं इस देश में, और पूरी दुनिया को देखो तो 80 खरब, 80 खरब भाई साहब, इस पुराने दखियानुसीरवास पे। आपकी क्या राय है, लोग शादी करते क्यों हैं? सबका तो पता नहीं, कुछ का पता है फ्री सेक्स। कुछ का तो मुझे भी पता है फ्री पंचिंग बैग। आप लोग एक जरूरी चीज भूल नहीं रहे। क्या? पूछो। बच्चे? अरे नहीं, अकेलापन। तुम ही बता दो। प्यार, लव। लव, जानते हैं मेरा छोटा भाई क्या कहता है? प्यार नहीं, डोपामिन। जब लोग कहते हैं लेट्स मेक लव, तुम्हें क्या लगता है वो लव की बात करते हैं? नो वे, वही एस वर्ड ब्रदर। आदमी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता है? लोग लस्ट को प्यार समझने लगते हैं। वो क्या बकता है, बकवास करता है ये। मैंने प्यार को महसूस किया है कुछ दिनों के लिए, मैंने भी। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप मिले कैसे? राहुल, हेल्प चीको फॉर मैं प्लीज ना बेटा। उफ मॉम, आप कितने साल से साड़ी बांध रही हैं, फिर भी आपको प्लीज बांधनी नहीं आती। डालो
चल ठीक है, कैसे लग रहे हो? एक मिनट, नाउ क्यूट, यू आर क्यूट। देख कि मेरी शादी की साड़ी है, पता है अमित की शादी में कितनी सारी लड़कियां आएंगी। तेरे को जॉब किए हुए 5 साल हो गए ना, जब शादी करनी है तो फिर देर क्यों? तू क्या चाहता है हाँ? तेरे बच्चे कहे कि मम्मी डैडी बुड्ढे खुसट है? अब तू है 27, जब तक तेरे बच्चे होंगे तू हो जाएगा 29, फिर तेरा बेटा या बेटी है जब 18 का होगा या होगी तू हो जाएगा 47। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ना आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। मॉम कितनी बार का है, मेरा कमरा मत साफ किया कीजिए, फिर से कुछ नहीं मिल रहा है। देखा ये, तुम जाओ तैयार हो जाओ, 10 मिनट में निकलना है। राजू तू कितना बड़ा हो गया, राजू तू कितना बड़ा हो गया। आई एम गोना लव इट। जब मैं 27 की थी ना तब तुझे पैदा करना चाहिए था। व्हाटएवर। ये अरे ये कहाँ गया? पनीर और कसाटा खत्म होने से पहले खा ले। पनीर नहीं लड़की ढूंढ। आओ जी आओ, नया है 2 लाख का। ओए राहुल तू कब गुड न्यूज़ दे रहा है? 27 का हो गया है ना? ओए राजू, ओए राजू तू कितना बड़ा हो गया? राजू मना किया था ना तुझे बड़ा मत होना, ये आजकल के लड़के ना आंटी किसी की बात ही नहीं सुनते। सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा तुम लोग अंदर जाके पैक चेक लो। हां पनीर खास अमृतसर से मंगवाया है। ओए मिसेस शर्मा जी आओ। मोटी सी है जरा। राहुल सुंदर है ना, चल पता करते हैं। मॉम ओए अरे चल चल चल। अरे ओ मॉम क्या कर रही हो तुम? कम से कम देखा तो करो, लड़की स्मार्ट होनी चाहिए। अगर दोनों लल्लू निकले तो इनका क्या होगा? एग्जैक्टली लल्लू से मतलब सफेद वाली। वो काली वाली देख। अरे इधर आओ। वंस एंड फॉर ऑल, जब मुझे शादी करनी होगी ना तब अपने लिए मैं लड़की खुद ढूंढ लूंगा। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अब चिल एंड जस्ट चिल, ओके? तू चिल। चलते अमित के पास। ओए खाना जल्दी खत्म करो भाई, रसम शुरू होने वाली है। सूट बनाना है शेरवानी। Are you crazy? अमित काश। बाथरूम में। अरे ना। मैं नहीं पहनने वाला हूँ मॉम। क्या बचपन है? मेरी इच्छा की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मैं तो सिर्फ फर्नीचर हूँ। ओके, ओके। लाओ। मेरे साइज की भी नहीं है मॉम। तुम्हें। सॉरी। लोग अमित के कमरे में हैं। खत्म होने से पहले बड़ी सांस ले और कसाटा इस पे भी क्या ना? क्या? और रसगुल्ले भी। चल तू खुश। बस मार बहुत। अच्छा ठीक है निकाल तू। अरे अरे क्या कर रहे तू? लड़ी फंसा दी तूने बटन में। अमित अमित बेटा, मैं सीमा आंटी बोल रही हूँ। वो क्या है ना कि तेरे बाथरूम का दरवाजा जैम हो गया है, ताले वाले को लेकर आती हूँ। ठीक है चल चल। क्या कर रहा हूँ? मर जाएगा। चल कभी कोई आ गया तो? कोई आ गया तो मैं क्या करूँ? जोर से खींचूंगा तो मोती हाथ में आ जाएंगे और ये शिकाड़ी भी भर जाएगी। तूने फाड़ डाला? मैंने। पूजा अमित को जल्दी भेजो। नंदी आंटी आ गई। हां जी देखती हूं। अमित रेडी? अमित अमित हाय। वाओ पहन लिया, दिस कलर्स लुकिंग सो गुड ऑन यू। यू नो मैंने बाहर एक इतना क्यूट लड़का देखा, लेकिन उसके मॉम डैड कितने फनी थे। ये लड़की देख वो लड़की देख। एक बात बताओ,
ये शादियों में लोग पनीर और रसगुल्लों पे ऐसे क्यों टूट पड़ते हैं जैसे कभी खाए ही नहीं? मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे, भाई खाना किसी और का है पर पेट तो अपना है ना। Hey, what's wrong with you? तुम नर्वस हो क्या? माँ, क्या कर रही हो? इसे सब कुछ देख लिया है, ये बाहर नहीं जा सकती। पकड़, अरे मैं दरवाजा लॉक करती हूँ। I'm sorry, ये मेरी मॉम ना, मेरी मॉम है। I'm so sorry, अभी जो मैंने कहा I didn't mean। ये बाद में मैटर सेटल करेंगे, अब तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है। ये देखो, ये शेरवानी में ना फंस गया है और रसम होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। देखो कौन से पागल डिजाइनर ने इसे बनाया, कितने कच्चे धागे, बताओ। ओह गॉड, आंटी क्यों रोन वाली? आप एक काम कीजिए, नेक्स्ट रूम में सुई धागा पड़ा है, लेफ्ट ड्रॉअर, आप उसे ले आइए, तब तक मैं इसे निकालती हूँ। ठीक है, जल्दी। अरे इतनी सारी प्लेट्स। एक्चुअली मेरे डैड को ना डायबिटीज है तो उन्हें मीठा खाना मना है, लेकिन फिर भी पूरे साल का खा जाते हैं एक साथ वो, चुप चुप के। मैं नहीं, मैं डैड। डैड चलो रखो प्लेट नीचे रखो, और एक ही रसगुल्ला मिलेगा। तुमने कभी नोट किया है उम्र के साथ साथ ना पेरेंट्स बच्चे बन जाते हैं और बच्चे पेरेंट्स? बचपन में वो हमें रोकते थे, ये मत करो वो मत करो, अब हमें उन्हें रोकना पड़ता है कि एक ही रसगुल्ला मिलेगा, डायबिटीज हो जाएगी। हो गई है। तू ठीक तो है? और तू इस शेरवानी में कर क्या रहा है? तू इस शेरवानी में क्या कर रहा है? अमित, अमित कहाँ है? हम उसके लिए खाना ले आए। हटो। अमित कहाँ है? मिल गई स्वीट। आंटी, एक्चुअली लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स करने थे शेरवानी में, तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि एक सेकंड के लिए पहन ले। अच्छा ठीक है, उसे जल्दी लेकर आओ, टाइम हो रहा है। वो एक्चुअली ये शेरवानी की स्टूपिड डिजाइनर मैं ही हूँ। शोला लड़की है नखरीली या कोई आग का गोला, आह तेरा रूप प्याला भर के पी लूं, आह तुझे आग से पानी करके पी लूं। We'll be right back.
बार कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हो रही है। पूजा, ओ, ओ, हाय पूजा। तो एकदम लव एट फर्स्ट साइट हो गया था आपको भी? लस्ट एट फर्स्ट साइट, व्हाई इज एवरीवन ऑलवेज मिस्टेकिंग इट? तो एक्चुअली मैं ना बचपन से एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, चांद पे जाना चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स वो डर गए, स्पेशली कल्पना चावला की डेथ के बाद। अरे मैंने कहा चांद से ज्यादा तो औरतें डाउरी डेथ में मरते हैं, पर नहीं, मॉम चाहती थी मैं उनका बुटीक संभालूं। उनकी एक लौटी बेटी हूँ ना, उनको दुखी नहीं करना चाहती। हे, पर जब मैं अमेरिका जाऊंगी ना तो वहाँ का एंटी ग्रेविटी वॉक जरूर करूंगी। कहते हैं नासा में एक रूम है ऐसा, इमेजिन करो अब आप चांद पे जा रहे। मुझसे शादी करोगी क्या? मैं वो चांद तो नहीं दिला सकता, यू नो मून, लेकिन वो एंटी ग्रेविटी मून वॉक जरूर करवा सकता हूँ। हे, ये कोई तरीका है प्रपोज करने का? You're right. ये मैं क्या कर रहा हूँ? आंटी जी, वो प्लीज रिंग रिंग माँ। पूजा, मुझसे शादी करोगी? शादी कर सुनकर तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया। 30 दिन में तुमने उसका हाथ मांग लिया, हाथ लाइक इन एंड ऑफ फ्रीडम, लाइक इन बिगिनिंग ऑफ टुगेदरनेस। तुम एक ही झटके में आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? ये रोज धीरे धीरे होले होले मरना क्यों चाहते हो? कम हियर यू सिनिक, उसने तुम पर कुछ टोटका कर दिया। उसने तुम पर कुछ टोटका कर दिया है, बेटा इतनी जल्दी भी क्या है? Oh dad, I love him. Oh already? I know it here. आपने इतनी innocent और इतनी infectious ऐसी देखी है कभी? Oh अच्छा? Dad, किसी से एक मिनट मिलकर आपको कभी ऐसा लगा है कि तुम दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता है? आपको कैसे पता? मानो या ना मानो बेटा, मैं भी कभी 23 साल का जवान था। लेकिन जो दिखता है वही होगा हमारे केस में डैड। बिसाइड्स हमने तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी कर लिया है। वो क्या होता है? कंपैटिबिलिटी टेस्ट डैड। क्या कर लिया है? कंपैटिबिलिटी टेस्ट। आई कैन स्मेल आवर हैप्पीनेस। मी टू। चलो देखते हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं कि नहीं। व्हाट, ये क्या है? हाँ और ना में जवाब देना है। क्या आप मानते हैं कि आपका जीवन साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त भी होना चाहिए? हाँ। क्या आप मानते हैं कि दो लोग एक होकर भी अलग हो सकते हैं? हाँ। यस, बिल्कुल एक जैसे होते तो कितना बोरिंग होता ना। क्या आप दोनों एक दूसरे के मन की बात पढ़ सकते हैं? अरे अभी तो क्या? क्या आप मानते हैं कि आपस की लड़ाई में किसी और की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, जैसे सास ससुर वगैरह? अरे लड़े हमारे दुश्मन। अरे क्या आप दोनों इस बात से सहमत हैं कि लड़का या लड़की दोनों को शारीरिक संबंध में पहल करने का हक है? ऑफ कोर्स, कौन से जमाने से ये कुछ मास्टर। क्या आप दोनों को एक ही तरह का खाना पसंद है? चाइनीज। You're kidding, right? Me too, Chinese. Okay, क्या आपके रंगों की पसंद एक दूसरे से मिलती है? Pink. Red. Same thing. Okay.
क्या आप दोनों सहमत हैं कि आपका हनीमून कहाँ मनाना चाहिए? हिमाचल। Oh my God. Last question. Okay, okay. क्या आपका नाम रोमियो जूलियट लैला मजनू या राहुल पूजा है? It's a sign, right? Of course, dude. चार से ज्यादा हाँ मतलब थोड़ी जान थोड़ी पहचान, आठ से ज्यादा हाँ मतलब दो जिस्म एक जान। Okay. शायद तू सही था, शायद मैं ये शादी कर सुन सुन के ना ब्रेन वॉश हो गया हूँ। हे बकवास, I really love her. It was love at first sight, तू था ना यार वहाँ। उसकी जो वो स्माइल है ना, तू अपनी इस उम्र के लिए ना बहुत बड़ा सिनिक है। कैंसिल कर दो भैया, अब भी दो घंटे बाकी है। क्या पता उसकी यहाँ बदबू आती हो। खुशबू आती है गुलाबों की। अभी क्या पता कि वो रोज नहाती भी है कि नहीं। औरतें डिसेप्शन में बहुत माहिर होती है, साथ रहने लगोगे ना तब सब भेद खुलेगा। तुझे कैसे पता? साइनाइड खाएगा भी। मरना है क्या? तुम्हें साइनाइड खाए बिना पता है वो मार डालती है, मुझे शादी किए बिना पता है वो मार डालती है। क्यूडी अभी सोच लो कौन जाता है ट्रेलर में हनीमून पे, ये होटल ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। आप तो कभी रोमांटिक रहे नहीं, हमेशा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। अरे इसे तो रोमांटिक बचाने दो। जा बेटा जा, I'm so proud of you. पता है ये हनीमून तेरे मामा जी ने गिफ्ट दिया है। और कौन बेवकूफ, जब तू कुल्लू एयरपोर्ट पे उतरेगा ना ये ट्रेलर सामने पार्क मिलेगा। I can't believe it. I'm so excited. आप क्यों एक्साइटेड हैं? जब ये 27 साल की थी ना तभी इसे पैदा कर लेना चाहिए था। Whatever. हिमाचल, here I come. लो बेटा। थैंक्स मां। मेरे हाथ की मूली के पराठे हैं, इसे बड़े पसंद है। हनीमून में मूली के पराठे खिलाओगी? तो डोंट वरी, मैं खिला दूंगी। अच्छा मां, मेरा बेटा, बच्चा, मेरा बच्चा। अब चलो निकल जाएगी। बाय मां। बाय। मेरा बेटा गया। मैक्सिमम एक साल देता हूँ इन्हें। चुप, काली ज़बान। भविष्य दिखता है मुझे, शर्त लगी? बेटा इस बार तू हार जाएगा क्योंकि लड़की अकलमंद है। और राहुल ने? अरे वो तो नालायक है। अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि शायद तुम्हें दिखा नहीं लेकिन मेरी आंखें हैं। लेजी बम है तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा ना होता अगर नोट गिनने के अलावा इस पे ध्यान दिया होता। नोट गिनता था ना इसमें तुम्हारे डायमंड्स और सब। स्टॉप ना। अरे What's the bed, dudes? iPad? चलो। क्यों ना हम शुरुआत नहाने से करें? पूजा पानी ठंडा होगा। मुझे पानी से डर लगता है, तैरना नहीं आता।
मम्मा व्हाट्स अप? हेलो बेटा, कैसा चल रहा है? कुडंट बी बेटर माँ। अच्छा मिस, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, फिर भी तुम बिल्कुल जरूर फोन कर लेना है। क्या प्रॉब्लम? भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो। मैं तो कह रही हूँ कि तेरे लिए सब कुछ नया है ना, कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो जरूर फोन करना है। आप चिंता मत कीजिए, ऑल कूल, चल 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 चल। कौन सा प्रॉब्लम? नथिंग यार, ये मॉम्स ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। कंप्लीटली ओवर एक्टिव इमेजिनेशन। कहीं उनका इशारा मेरी तरफ तो नहीं था? यू नो प्रॉब्लम, मैं हे नो वरीज, मैंने तो बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि बड़ी होके मैं अपनी मॉम इन लॉ से कभी नहीं लड़ूंगी। इमेजिन, एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है अचानक एक अनजान लड़की आए और उनके बेटे को उड़ा ले जाए। हमारी लाइफ में कभी ऐसे सास बहु प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। छोड़ो, हे यू वांट टू स्लीप इन और आउट? यू, जब जिस हाल में तुम तब उस हाल में मैं। पहले तुम? नहीं, पहले तुम। Are you sure? या totally. Okay. Oh God. जल तू जला दो आई बला को डाल दो, जल तू जला दो आई बला को डाल दो, जल तू जला दो आई बला को डाल दो, जल तू जला दो। Bye. Thank you.
हाँ हेलो, कल 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे अरे चिंता मत करो, मैं गाड़ी रोक। अरे 4 बजे तक पहुंचना है। अरे कहाँ है, गाड़ी रोक। मुस्कान, आई लव यू मुस्कान। और बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं हम, और इसके बाद हम कभी अलग नहीं होंगे। हाँ अच्छा, बाय। कैसे चला रहे हो गाड़ी तुम? इतनी सडनली ब्रेक क्यों लगाई? अरे लेकिन अगर चलाना नहीं आता तो मैं चला लेती हूँ। बी माई गेस्ट। ये देसी रोमियो जूलियट तो मेरा भेजा सड़ा देंगे यार। जी मेरे पास है चाबी, ये लीजिए। वैसे गुस्सा बहुत तेज है जी आपका। गलती हमारी थी, वो ब्रेक लगाया था ना, मुस्कान से कुछ कहना था। माथे पे चोट लगी है। ऐसे अपने हस्बैंड का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही? ऐसा भी क्या हो गया आप दोनों के बीच? ओ उड़ दे पंछियां, ओ बशद रेवारी ब्याली, ओ खदड़ा खदड़ा दे बाणे जुरिए गे, आसा लेना नीबड़ा न्याली। Had a good time? Yeah.
नाराज हो? नहीं तो ओके, थोड़ा डर जरूर गई थी, कुछ भी हो सकता था वहां। क्या? वेल यू नो, कितने अजीब आदमी थे वहां नशे में, कुछ भी हो सकता था राहुल। हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, मतलब कम ऑन, नाराज क्यों हो रही हो? कहां हो रही हूँ नाराज, मुझे दिख रहा है नाराज हो। नहीं हूँ नाराज। नाराज हो, नाराज हो। नहीं हूँ नाराज राहुल। नाराज हो। नहीं हूँ। सॉरी कल के लिए। शिट, क्या हेडेक है। लुक राहुल, मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी तुम्हारे गले में कोई फांसी के फंदे की तरह हो। हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन चाहे। बस दुख इसी बात का है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा वो दारू पसंद थी। That's not true. Oh, come on. नहीं तो 2 बजे कोई वक्त है दारू पीने का, वो भी दोपहर में। I tell you, तुम पूरे 7 घंटे गायब थे, 2 से 9, वो भी हमारे हनीमून के तीसरे दिन। अरे यार, हम छुट्टी पे हैं। हम हनीमून पे हैं राहुल। तो हनीमून में किसी को एंजॉय नहीं करना चाहिए? एंजॉयमेंट का मतलब सिर्फ दारू पीने से है क्या, वो भी दोपहर के 2 बजे? क्या 2 बजे? 2 बजे पूजा, दारू पीने का कोई फिक्स टाइम होता है क्या? तो कृपा करके मुझे बता दीजिए कि वो क्या होता है, बल्कि लगे हाथों एक लिस्ट भी बना दीजिए कि कितने बजे मेरे क्या करने से आपका पारा नहीं चढ़ेगा। राहुल, हम लड़ रहे हैं। हम नहीं, तुम लड़ रही। पूजा, इतने भी नियम नहीं होने चाहिए लाइफ में, ओके? ठीक है, तो तुम्हें नियम नहीं पसंद, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको। कुछ नहीं हुआ। तेरी आवाज से लग रहा है कि लड़ रहे हो तुम लोग, लड़ रहे हो। I don't understand my mom. दारू की पूरी बोतल घटक है और जो कुछ हुआ नहीं उस बात पे लड़े जा रही है। Exactly. देखा बेटा। बेटा ऐसा है कि सिर्फ हम औरतें ही ऐसी हैं जो ऐसी बातों पे लड़ लेती है जो कभी हुई ना हो। हम लोग अनरीजनेबल होती है, हैं? तू ऐसा कर, तू सब बात भुला के ना उसे माफी मांग ले, है? हाँ, सुलह कर ले, ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है, कम होम सून, ठीक है, बाय। क्या हुआ? कौन मर गया? पूजा और राहुल की लड़ाई हो गई। What? I told you, मुझे पता था, yes, I told you. मुझे मेरा iPad सिल्वर कलर में चाहिए। शर्त तो मैं ही जीतूंगा। एक बात नोट की आपने? क्या?
इट्स ओनली डे 3। एक होता है कैंसर, एक होता है गैलोपिंग कैंसर, और ये गैलोपिंग वैरायटी का है। मुझे लग रहा है मुझे मेरे आईपैड के लिए एक साल भी नहीं रुकना पड़ेगा। दोनों बेटे नालायक पैदा किए हैं तुमने। हाँ, मैं तो डॉली से भी बड़ा अजूबा हूँ, अकेले बेटे पैदा कर लिए। कौन डॉली? न्यूज क्या देखते हो? कौन डॉली? डॉली वो भेड़ जिसने अकेले अकेले डॉली पार्ट 2 पैदा कर लिया था। ये क्या तुम अकेले अकेले का ताना मुझे हर बार सुनाती रहती हो? मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठ के लंगोटे बदलते रहता ना, तो बाहर जाके कबाता कौन मैडम? चले या और रोना है? चलो। वैसे एक महिला के लिए गाड़ी अच्छा चला लेती हैं आप। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं गाड़ी अच्छा नहीं चला सकती हैं, उन्हें मौका कम मिलता है ना, इसलिए कह रहा था मैं। अगर ठीक से चलाना नहीं आता तो मैं चला लेती हूँ। आगे खरगोश था राहुल। ऑफ कोर्स, तुमसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। अब गलती तो बेचारे खरगोश की है। गॉड, डोंट बी अब्सर्ड। अरे बंद करो यार, बंद करो यार लड़ना। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो तुम लोग। दिमाग हमारा खराब होता है, माथा मेरा फूटता है। और जब भी हमारा दिमाग खराब होता है हमें चाय पीनी पड़ती है। अब चलो। अरे यार, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? भेजा सड़ा दिया। ओ ठीक है, टॉपिक बदल देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है? स्पोर्ट्स? हमें स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स की वजह से ही हमें लव हुआ था। स्पोर्ट्स की वजह से ही तो हम मुस्कान से मिले। मुस्कान? अरे मेरी होने वाली पत्नी, वेरी गुड स्पोर्ट्स ही है। वो क्या हुआ कि एक दिन हम गली से जा रहे थे, तो अचानक एक गिल्ली उड़ती हुई आई और ठांस लगी यहाँ पे। हमारे रास्ते में क्यों आए? देखा नहीं हम यहाँ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं? इधर से आना जरूरी था क्या? अजी, इधर से ना आते तो आपसे कैसे मिलते? वैसे आपका नाम क्या है? गिल्ली। गिल्ली? गिल्ली दीजिए हमारी। अच्छा, ये मुझे लगा आपका नाम गिल्ली। क्या? लगी जोर से? हाँ जी, थैंक यू। लेकिन यहाँ कम यहाँ ज्यादा। वो हंसती गई और मैं फंसता गया। वैसे आपको पता है वो लोग कितने लकी होते हैं जो किसी को प्यार करते हैं और वो वापस उसी को प्यार करे। मतलब सोचिए कि इतने लाखों करोड़ों लोगों में अगर मैंने मुस्कान को प्यार किया है तो जरूरी तो नहीं कि मुस्कान भी वापस मुझे ही प्यार करे। वो तो किसी और से भी प्यार कर सकती थी ना, लेकिन नहीं,
किया तो हमसे। अब इसे किस्मत नहीं तो और क्या कहेंगे, किस्मत से कौन लड़ सका है भाई। लेकिन कुछ लोग लड़ते, मुंह रख लोग, अरे उसके फैमिली और उसके भाई, उन्हें हम पसंद नहीं है। अरे क्यों भाई, हमारी कास्ट अलग है इसलिए? ओए ओए, कास्ट अलग है तो क्या हुआ, हमारे दिल तो एक है। हम काम से गग्गल के आ गए, उसकी सगाई तय कर दी हमारे पीठ पीछे, लो कर लो बात। इसीलिए तो 4 बजे से पहले हमें पहुंचना है सगाई रोकने के लिए किसी तरह शिमले। बेवकूफ लोग, हम भी देखते हैं हमें कोई कैसे हमारी मुस्कान से अलग करता है। जय ने प्यार किया है। और आपकी तरह लड़ते नहीं है हम, ना जी ना, डिस्कशन से हर चीज का हल निकाल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल, हमें दूध पीना कतई पसंद नहीं, तो उस दिन मुस्कान बोली कि रोज रात को 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। तो हमने डिस्कशन किया, हमने कहा मुस्कान 1 गिलास दूध, तो उसने कहा हाँ, तो हमने कहा 7 बजे या 8 बजे, उसने कहा 8 बजे, मैंने कहा डन। लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। चलिए चलिए, बहुत देर हो गई है, और रिमेंबर डिस्कशन नो फाइटिंग। ये गंडलिए क्यों घूमते हैं आप? वो मुस्कान के भाई है ना, गुंडे सरीके लोग हैं, तो हम भी क्या गीदड़ के औलाद हैं? हैं? हमने और मुस्कान ने कसम खाई है कि जहर खा लेंगे लेकिन अलग नहीं करने देंगे किसी को। बिन फेरे हम तेरे। अच्छा भाई एक बात बता, ये भाभी जी बड़ी सॉलिड है, हैं? हेडमास्टर नहीं जी थी क्या पहले? अरे अरे, लेकिन खाना बना के तुमने सफाई नहीं की राहुल? की तो है। तुम्हें तो सिखाना पड़ेगा, हर चीज यहाँ वहाँ पड़ी है, इतने मैसी क्यों हो तुम? इतनी फिनिकी क्यों हो तुम? एक तो खाना बना के खिलाया, ऊपर से तुम मुझे ताने मार। एक मिनट, ये एक तो खाना बना के खिलाया से क्या मतलब है? मैं तो इम्प्रेस थी कि तुम इक्वालिटी में बिलीव करते हो, पर अब देख रही हूँ कि ये तो एहसान था। इक्वालिटी ही थी पूजा। थैंक यू वेरी मच, आई होप सो। कल जब नमक चाहिए होगा तो उसे ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? ओफो, बिग डील यार। राहुल, ये एटीट्यूड की बात होती है, जो आदमी इतना मैसी होता है उसका दिमाग भी उतना ही मैसी होता है। कहां से कहां बात को लेके जा रही हो तुम? एंड डोंट वरी, तुम्हें मेरे लिए ना कभी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कैन वी प्लीज जस्ट गो टू स्लीप। गर्मी है, टेम्परेचर कितने पे है? 25। 25? उसे 20 कर सकते हैं प्लीज? 20? तुम क्या एस्किमो थी पिछले जन्म में? तुम क्या चिपकली थे? It's a holly holly day, hooray, hooray, it's a holly holly day, hooray, hooray, it's a holly holly day. पूजा, तुमने मेरा पर्स देखा है कहीं?
हाँ कहाँ है? ढूंढ लो। अरे कहाँ रखा है बता क्यों नहीं सकती? कहाँ रखा था राहुल? पता होता तो पूछता क्या? तो कहाँ रखा होना चाहिए था? You know, you're disgusting. तुम्हें ना किसी स्कूल की टीचर होना चाहिए था। और तुम्हें केजी का स्टूडेंट। ये लो। और अब गाड़ी तुम चलाओगे। थैंक्स टू यू मैं सोई नहीं रात भर। मैं 2 बजे से चलाऊंगी। ओके? यस मिस। ओके मिस। नाको? नहीं साहब, नाको तक अब कोई पेट्रोल पंप नहीं है। कम से कम 400 किलोमीटर। आप 4 कैन ले जाइए और जरा संभल के जाते वक्त माता के मंदिर में माथा टेक के जाइए। बला होगी तो डल जाएगी। कौन है क्या पता, हाईवे पे कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे क्या गड़बड़, ये हम भी तो हो सकते थे। पेट्रोल पंप वाले ने कहा नहीं था कि मीलों तक कोई नहीं है? हे हाय, कैन वी हेल्प? या मैन श्योर, नियरेस्ट मैकेनिक 200 किलोमीटर दूर है यार। गेट इन। चीयर्स मैन। ओह आई एम अर्जुन एंड दिस इज गीतांजलि। राहुल, पूजा, his wife. No way, man. Warm beds. 14 घंटे से इस घोड़े पे बैठे हैं हम लोग। Go for it. कितने बजे जगाएं तुम्हें? 2 घंटे में? सेल है? हाँ. Sure. 9833-85226. कुछ भी हो ना, just give me a buzz. I'll stop, okay? Cheers, man. Thanks. अच्छे लोग लगते हैं। कॉफी? थैंक्स। सॉरी। थैंक यू। सो आप लोग जा कहाँ रहे थे? स्पिति, पैराग्लाइडिंग। वाओ। हवा बहुत तेज है ना वहाँ, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। अमेजिंग। यू नो कॉलेज में मेरा भी बहुत मन करता था मोबाइक पे पूरी दुनिया घूमने का। लेकिन मेरी मॉम ना बड़ी हाइपर किस्म की हैं। तुमने कभी नोटिस किया है कि लाइफ जैसे जैसे गुजरती है पेरेंट्स बच्चे बन जाते हैं और बच्चे पेरेंट्स? यू नो द ओनली थिंग, बचपन में वो हमें रोका करते थे और उम्र के साथ हमें उन्हें रोकना पड़ता है। एक ही रसगुल्ला खाना डायबिटीज हो जाएगी। सो स्ट्रेंज ना। एनीवे आई लव स्पीड। ऐसे लगता है जैसे किसी जंगली घोड़े पे बैठे हो। hey, किसी को वो गाना याद है? ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो। पहले मिले हो जिसे ये गाना आता है। एक्चुअली बचपन में ना मैं गाना बजा कर रही थी जब मैं इतना सा था। गॉड, वो मेरा भी पहला प्ले था। What? मैं राणा प्रताप की वाइफ थी। How bizarre! तुम कौन से स्कूल में थे? सेंट जोसेफ्स। Oh my God, सेंट जोसेफ्स? तुमने कौन से साल पास आउट किया?
97 और मैं 1998 oh, no way. अब याद आ रहा है तुम राणा प्रताप बने थे इमेजिन फेट यार इतने सालों बाद इस सड़क पे फ्रीक आउट टोटली सो अर्जुन तुम कौन सी स्कूल से थे दिल्ली पब्लिक स्कूल एक्चुअली आई एम अ पेंटर एंड अ ग्रेट सिंगर तो तुम पेंटर हो एंड अ सिंगर सिंगर रियली इफ द सन रिफ्यूज्ड टू शाइन I would still be loving you If the mountains crumbled to the sea It would still be you and me ये ठीक नहीं है एक अनजान खूबसूरत लड़की हमेशा गड़बड़ होती है अब सुनोगे भी कि नहीं वहां बेटे का तलाक होने जा रहा है ओफो इतनी अकल नहीं सिखाई तुमने अपने बेटे को वो अपने हनीमून पे किसी अनजान लड़की से अखियां मिलाएगा Hello, क्या इसमें मेरे बेटे का दोष नहीं तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो याद करो 1965 में दार्जिलिंग हमारा हनीमून वो राधा कौन राधा अरे कौन राधा वो गुलाबी स्कर्ट वाली 30 साल हो गए अभी तक तुम वो गुलाबी स्कर्ट नहीं भूली अरे भाई गुलाबी नहीं था पर्पल था Anyone want a drink? सुबह के 11 बजे? Man, we're on holiday. Anyway, मौत हमें कौन सा टाइम बता के आएगी? Correct? Absolutely. Cheers. No thanks. Cheers. इसे कहते हैं जीना तुम्हारे जैसा एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी दीवाना बन गया हूँ मैं तुम्हारी हंसी कितनी इन्फेक्शियस है बस देखती ही रहूं रातें कटती नहीं तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं हो आ जा न जा बेवफा तुम्हारी हंसी कितनी इन्फेक्शियस है बस देखती ही रहूं क्या है सेल फोन में सेल में क्या कुछ नहीं तो छुपा क्यों रहे हो कहाँ छुपा रहा हूं मैं ये क्या बचपना है इस तरह का शक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर शक बेबुनियाद है तो दिखाने में क्या जाता है दिस इज रिडिकुलस हाइना की तरह क्यों हंस रहे हो तुम Excuse me if I'm wrong, लेकिन कुछ दिन पहले कौन बोल रहा था कि तुम्हारी हंसी कितनी infectious है? अब मैं हाइना की तरह हंस रहा हूँ? War के rules कब के change हो चुके, dude? War? पता भी है तुम क्या कह रही हो? कौन सी war? वही जो तुमने शुरू की थी। अब दिखाओ। तुम्हारी हंसी कितनी infectious है? बस देखती ही रहूं। ओफो, she's just fun, पूजा मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया शायद लेकिन सोचा जरूर है you are having an emotional affair are you crazy what the hell is that you know it very well swear कोई emotional बात नहीं है it's just physical I mean good night have fun पूजा Thank you.
तुमने मेरे फोन को पानी में डाला? ग्रेट, अब ये चल नहीं रहा। बेचारा, अब गीतांजलि एसएमएस कैसे भेजेगी? तुम्हारी हंसी कितनी इन्फेक्शियस है। वाह। अरे, ओह गॉड, पागल हो तुम? अब हमारे पास कोई सेलफोन नहीं, कुछ हो गया तो? How could you, राहुल? कर सकते हैं और हम क्या करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है जो हम नहीं देखते, और क्योंकि हमने देखा भी नहीं हम उसे बदल भी नहीं सकते। तो जब तक हम ना देखें कि हमने क्या नहीं देखा, हम वही करते रहेंगे। अमेजिंग, व्हाट अ थॉट। Hey, beautiful! Morning! Good morning! Hey, Arjun! क्या तुम मुझे paragliding सिखा सकते हो? Definitely! अभी चलो! ये सेफ तो है ना? तुम वहां तक ड्राइव करके पहुंच रहे हो ना, तुम्हारे ड्राइविंग से ज्यादा सेफ है। रेडी रेडी, भागना शुरू करो। रेडी, रन रन रन, दौड़ो पूजा, दौड़ो दौड़ो, नाउ 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 नाउ। कितनी देर लगेगी इन्हें? आधा घंटा। क्यों? मुझे चेंज करना है, अर्जुन इज वेटिंग फॉर मी। ला 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 ला। तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो? राहुल, हर चीज तुम्हीं से शुरू और तुम्हीं से खत्म नहीं होती। ओ, कहो तो अर्जुन को अंदर भेज दूं? भेज दो, बाहर गीतांजलि के साथ पवन वेग गाने का मौका भी मिल जाएगा। You're so transparent, राहुल। और दोबारा मुझ पे ये व्यंग बाण चलाने की कोशिश मत करना। चिल्लाओ मत, पूरी दुनिया को सुनाना है क्या कि हम लोग झगड़ रहे हैं? ओह, तो गीतांजलि अभी पूरी दुनिया हो गई है? मुझे जो बोलना है, जैसे बोलना है, मैं बोलूंगी। आया गी तू? हे, तुम लोग इतने चुप क्यों हो आज? नहीं तो? जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं, इसे खोना। मैं थक गई हूँ, आज जल्दी सोना चाहती हूँ। कल सुबह हम लोरी तो पहुंच ही जाएंगे।
तुम कितने बजे निकलना चाहते हो? कितने बजे? 8:30 ओके। पूजा, 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 गीतांजलि और अर्जुन को देखा है तुमने? नहीं। दोनों गायब हैं और उनका सामान भी नहीं है। मेरा पर्स देखा है, यहीं पे रखा था, संभाल के, आई स्वेर। कभी किसी राह पे मिलेंगे तो 30,000 उतार रहे। थैंक यू अर्जुन और गीतांजलि। अरे शिट, 30,000 का बटका लगा के चले गए वो दोनों। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुम पहले ऐसे मिले हो जिसे ये गाना आता है। पवन वेग के घोड़े नहीं, गधे हो तुम। और तुम? हे अर्जुन, मुझे बंजी जंपिंग सिखाओगे? पैराग्लाइडिंग। सेम डिफरेंस। और तुम ही ने कहा था ना उन्हें लिफ्ट देने के लिए? लिफ्ट देने को कहा था, गोदी में बिठाने को नहीं। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है मिस्टर राणा प्रताप। हाउ डेयर यू। और शट अप से मतलब क्या है तुम्हारा? मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। Don't you ever be violent in front of me, okay? और ये गुंडागर्दी ना ही मुझे इंप्रेस करती है, ना ही मुझे डराती है। और ना ही तुम्हारी हाई पिच्ड आवाज मुझे चुप करवा सकती है, समझी? ये नाटक करना मुझे भी आता है। देखो! 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 डबल देखो! अब मुझे पता चला तुम्हें चुप कैसे करवा दे। ची! इससे बड़ा एमसीपी स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं सुना। पूजा प्लीज। इतना बचपना लाइफ में नहीं देखा मैंने कभी। एग्जैक्टली ना मैंने। What? Violence किसी चीज़ का हल होती है क्या? अगर गुस्सा दिखाना है तो अपनी मम्मी को जाके दिखाओ। दिखा ही तो रहा था, मम्मी टेरिजा को। तेज चला यार गाड़ी, जल्दी तेज चला, तेज चला, तेज चला, तेज चला यार। कोई फायदा नहीं, हम 5 मिनट तक शिमले पहुंच नहीं पाए। बहुत देर हो चुकी और मुस्कान भी फोन नहीं उठा रही। हेलो मुस्कान, मैं कितने देर से फोन ट्राई कर रहा हूं मुस्कान। क्या 6 बजे? देखो देखो, तुम एक काम करो मुस्कान, तुम मुझे मनाली में मिलो। हाँ उसी पुल पे कल 5 बजे। हाँ, मुस्कान रो मत मुस्कान। हाँ डन डन। गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। क्या मतलब? अरे क्या हुआ? खाना जल्दी, गाड़ी घुमा। क्या घुमा, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, मुस्कान की सगाई हो गई है, अब शादी रुकवानी पड़ेगी, मनाली पहुंचना है 5 बजे से पहले। पागल हो, मनाली 15 घंटे का रास्ता है। हाँ तो हम क्या करें,
अगर तुम लोग लड़ाई नहीं करते तो मैं तो शिमला पहुंच जाता ना 4 बजे। I'm sorry, मैं मनाली नहीं जा रहा। अबे जाएगा कैसे नहीं, मेरी मुस्कान की शादी कहीं और हो जाएगी। ईश्वर का इशारा समझो, ये बच जाओगे। एक MCP और बोल क्या सकता है। मैं चुप। अगर इस बार तुम लोगों ने देर करवाई ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा तुम दोनों की। आई प्रॉमिस। चल गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़। एक बात बता साले, तू पनौती लोग गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे कैसे? नाल देरा, यहां से लेफ्ट। अरे लेफ्ट वाली रोड छोटी है, मेन रोड नहीं लगती। गॉड, गिव मी सम पेशेंस। राहुल तुम कभी नहीं सुनते। शिट! क्या कर रहे हो तुम? इसमें हंसने की क्या बात है? घुमानी पड़ेगी। लेकिन घुमाएंगे कैसे? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ और ट्रैवल कर सकती हूँ।
आज के लिए ड्रामा बहुत हो गया पूजा। ड्रामा? ड्रामा राहुल, तुम्हारी वजह से हम दोनों की जान जा सकती थी अभी। क्यों? क्योंकि राहुल जी तो कभी गलत नहीं हो सकते। पूजा तो एक इडियट है और मैं तो किसी दूसरे इडियट ने बनाया है ना। तुम इतना ऊंचा क्यों बोलती हो? कौए खाए थे क्या बचपन में? डोंट गेट हिस्टेरिकल। मुझसे ना हिस्टेरिकल औरतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और मुझसे एरोगेंट मर्द। In fact, you know what? यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे एक ट्रैवल एजेंट देखा है मैंने। इस नौटंकी को अब भी खत्म करते। I agree. इस नौटंकी को भी और इस stupid marriage को भी। शादी के लिए मैंने कहा था। हाँ करने की गलती तुमने भी तो की थी ना मिसेस पूजा भसीन। चले। योगा में इसे सीतासन कहते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, हिमालय एयर की उड़ान क्रमांक HA247 गगल से शिमला जाने के लिए अब तैयार है। यात्रियों से निवेदन है कि वो सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करें। हेलो राजू, हम शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। गाड़ी एयरपोर्ट भेज देना। वापस? लेकिन अभी तो 5 दिन बाकी है भैया। NS212 7:30 बजे लैंड करती है दिल्ली से मुंबई। भैया, इज एवरीथिंग ओके? सुन, फिलहाल मम्मी पापा से कुछ मत कहना। सिर्फ इतना कि हम वापस आ रहे हैं, ओके? भैया पर आई टॉक टू यू लेटर डूड। हे, तू अपनी उम्र के लिए मुझसे ज्यादा शाना निकला यार। भैया पर भैया और पूजा वापस आ रहे हैं। वापस? लड़ाई तूने? तू जीत गया। तेरी काली जुबान, तेरे को आईपैड चाहिए था ना? लाओ जी फोन, लाओ फोन, लाओ जी। जस्ट लीव देम अलोन, विल यू? अगर उन्होंने नहीं लड़ना है फिर भी आप लड़वा के रहोगे? पापा गाड़ी एयरपोर्ट 7:30 बजे भेज दिए और एयरपोर्ट मैं जाऊंगा। हेलो, अबे कौन मम्मी, किसकी मम्मा? आई एम ड्राइविंग, मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय। अबे एक लौते बेटे तो नहीं हो तुम, हैं? मम्मी के बड़े फोन आते हैं दिन में। हाँ मम्मी जी। अरे डैडी, ओए किसके डैडी हो गए यार? हाँ पापा, कुछ नहीं पापा। ओ यार रोना धोना बाद में यार, मेरी मुस्कान टेंशन में होगी। हाँ मामा, अरे ऐसे ही रो रही है वो पागल नहीं, वो मुझे पागल कर रही है। उफ बाय माँ। और तुम दोनों मुझे पागल कर रहे हो। वो अगले पान की दुकान पे गाड़ी रोक। अरे क्या यार? अरे बोला ना गाड़ी रोक। एक मिनट का बना है, पिछला निकालूंगा। ओए गाड़ी रोक यार। दो मोबाइल फोन देना। कौन से साहब? ओए कोई सी भी दे दे यार। साहब ये माथे पे क्या हुआ? तीसरी आंख है मेरी, खोल के दिखाऊं? मोबाइल दे चुपचाप। माथे का डॉक्टर लो साहब। माथे का चंदन। हाँ जी ये लो अपने अपने फोन, और फोन करके कह दो अपने डैडी जी को और अपने मम्मी जी को अपना नया नंबर, और ये भी कह देना मुझे फोन करके परेशान ना करें। कहाँ कहाँ से चले आते हैं पीसीओ कस्टमर। सैड ना जाए, लोग शादी के बाद बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शादी के पहले मैडम कहती थी कि मेरी हंसी कितनी इन्फेक्शियस है, और अब मैं हाइना की तरह हंसता हूँ। ओए होए होए होए, अगर मैं तुम्हारी लिस्ट बनाने लगू ना तो 10 पेज तक लंबी होगी। क्या तुमने कभी वो नलका देखा है जिसमें से टिप 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 रात भर पानी गिरता रहता है? पूजा भी उसी की तरह है। मैं कुछ भी करूँ बंद ही नहीं होती। खुद को देखा है? King of मैं, I tell you। और तुम Queen of चाय। एक दो तीन चार पाँच
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मोस्ट इरिटेटिंग लड़की का खिताब तुम आराम से जीत सकती हो जान मिस यूनिवर्स 1, 2, 3, 4 मिस पूजा पहुंचा को मिलते हैं 100% उन्हें 1 से 100 की गिनती आती है क्या कर रहा है बैन सीधी चला खाई में जाएगा क्या तू अरे मरवाएगा क्या यार हाथ बंद लगाओ मुझे अरे घरों में लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता क्या कर रहे हो तुम लोग यार लड़ना बंद करो यार अरे अरे मेरी बात सुनो जानवरों की तरह लड़ने लग जाते हो बस करो अबे मुझे भी चोट लग रही है छोड़ूंगा नहीं तुम्हें स्टॉप स्टॉप करनी है शादी गाड़ी घुमाओ क्या अगर शादी का मतलब यही है तो नहीं करनी मुझे शादी गाड़ी घुमाओ जय मुस्कान अपने घर से भाग के सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए वहाँ पे खड़ी है कहाँ जाएगी अबे तू बहरा है क्या इतनी देर से कह रहा हूँ अरे नहीं करनी है मुझे ये शादी चुप अब और दादागिरी नहीं समझा ना तू मुझे तुम जाओ कुछ भी करेगा ना एक दूंगा उल्टे हाथ की मुस्कान मुस्कान देख क्यों फंसा रहा है मुझे कोनू मैं आ गई आज मैं इतनी हैप्पी हूँ सॉरी इतनी वरिड हूँ हमेशा की तरह मुझे दो अलग अलग चीजें एक साथ हो रही है आपका हुआ है कभी इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना मुझे पता नहीं चला कि मैं खुश हूँ इस गधे को देखकर या डरी हूँ कि वीरू भैया को पता चल गया तो खैर नहीं जय क्या हुआ तुम्हें माथे पे वीरू भैया ने कुछ किया क्या जय तुम मुझे डरा रहे हो सब कुछ ठीक तो है ना इसकी बोलती तो खुशी के मारे बंद हो गई है पूरे रास्ते ही मुस्कान 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 कर रहा था मैंने सेल पे गोंडला के बिजली बाबा को कह दिया पंडित जी को 6 बजे बुला के हम दोनों की शादी करा दे एक्चुअल में ना सब रेडी है आप दोनों को जरूर आना होगा शादी में आएंगे ना अरे शादी हम ही तो कराएंगे गोलू एक मिनट तुम्हारे लिए मैंने ये दुपट्टा खरीदा है और अपने लिए ये सारी वाओ बहुत अच्छी लग रही है गिल्ली गिल्ली हम सोच रहे थे कि ये शादी बिल्कुल धूमधाम से होगी बाना पूजा तुम इन्हें अंदर अंदर ले जाओ चाय वाय पिलाओ तैयार व्यार तो कराओ है कि नहीं हम लोग वहाँ पहुँचते हैं गोंडला बिजली बाबा के वहाँ है ना चल अबे जाने इतने साले दुल्हन तैयार है भाई राहुल भैया हमें देखना है मुस्कान को कहते हैं फेरों से पहले एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए लेकिन ये कौन सी नॉर्मल शादी है जा देख ले अपनी मुस्कान को पूजा जय अभी आ रहा है तुम्हारे पास जय अभी जय जय How
चला जाता है और तुम इसीलिए तुम इतनी लड़ाकू नहीं होती ना पूजा, तो जय आज अपनी शादी से भागा नहीं होता। ये रही। हाँ बोलो राहुल। चैप कहाँ हो तुम? मुस्कान का? अबे मैं मुस्कान का क्या करूंगा सड़क के बीचों बीच। देखो आप मुस्कान को ना उसके वीरू भैया के पास वापस शिमला छोड़ दो। वापस शिमला छोड़ दूं? नहीं 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 नहीं, जय के बच्चे अगर तू वापस नहीं आया ना तो मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके चीलों को। सुनो जी, मेरा फोन काट दिया, मेरा फोन काट दिया। ना मुस्कान, रो मत, मत रो मुस्कान, कुछ करो ना। मैं क्या करूं? ऐसे नहीं रोते, अगर जय तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, हम कुछ और मुस्कान तो बाद में शादी करेगा। कहां भी था उससे, पहाड़ी मिर्च होती छोटी है लेकिन ऐसी तीखी कि बड़े बड़े सुन बच्चे धो जाए। चलो जी। लेकिन वो गया कहाँ होगा? किसी ढाबे पे होगा, ऐसी सड़क पे। ठीक कहा, जय ने कहा नहीं था? जब भी उसका दिमाग खराब होता है उसे चाय की तलब लगती है। राहुल इस वक्त वो चाय पीने रुकेगा क्या? इन्हें ठीक कहा। नमस्ते भाई साहब। अबे कौन है तू? माफ कीजिएगा, हम जरा जल्दी में थे इसलिए बता नहीं पाए। ये बताइए हम चाय के लिए कब उतरे? यही थी वो ट्रक। रोको रोको। अरे मुस्कान, अरे रोकने तो दो। मुस्कान मुस्कान मुस्कान, जय मुस्कान आगे मत आना। मुस्कान मैंने कहा रुक जाओ, वरना वरना मैं खुद को गोली मार लूंगा। जय छोड़ दो मुझे, मैंने बोला ना मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं? साफ साफ बताओ मामला क्या है। मुस्कान शादी गलत रिवाज है, शादी करते ही हमारा हमारा प्यार हवा हो जाएगा। मुस्कान प्यार हवा हो जाएगा? इनकी भी लव मैरिज हुई थी, देख लेना साल भर के अंदर एक दूसरे को जान से मार डालेंगे ये लोग। मार डालेंगे? हवा हो जाएगा? आपने ऐसा एक भी कोई आदमी देखा है जो होने पे नहीं हो सकने पे इतना सप्पा मचा दे? वैसे तो हम सब मर भी जाएंगे एक दिन, तो क्या जीना छोड़ दे? अरे जब होगा प्यार हवा तो देखेंगे। क्यों जी? और दूसरी बात, ये पिस्तौल लेकर तुम कर क्या रहे हो जी? फेंको इसे फौरन। नहीं फेंकूंगा। फौरन मत चढ़ाओ, दो इधर। पिस्तौल से नहीं खेल सकते हो तुम, अब चलो। हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे। तुम गुंडला चलोगे समझे ना? बोलो डन। देखा आपने, ये तो शादी के पहले ही हमें लिस्ट हमारी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। गिल्ली जी आप एक काम कीजिए, आप ना हमें एक लिस्ट बना दीजिए कि क्या कितने बजे करने से आपका पारा नहीं चढ़ेगा अगले 15 सालों तक। अरे नहीं जाएंगे हम, तुम हो कौन? जय तुम्हें हो क्या गया है? हम हो गए हैं इसे, हम इसे हम हो गए हैं जय। कोई फायदा नहीं है, दो दिन आपके साथ रह के मेरी आंखें खुल गई हैं। बार बार अनदेखा करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन अब समझ में आ गया शादी एक धक्केनुशी रिवाज है। नहीं हम गलत थे। नहीं हम गलत थे। ये लातों के भूत ना बातों से नहीं मानेंगे। ए,
आगे मत बढ़ना। देख देख देख, तू नजदीक मत आना, ये बहुत जहरीला सांप है। देख, सांप से डराएगा? पागल हो गया है क्या तू? धोखा देगा एक मासूम लड़की को? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उसे मेरे मध्य मर के जाएगा उसे। गोलू, छोड़ दूसरे को। गोलू, तुम क्या कर रहे हो? मटकी अंकल क्यों उसके डोलों में होती है? सॉरी यार, मुस्कान बचाओ। जय के बच्चे, अब तो मैं तेरी शादी करवा के ही छोड़ूंगा, इससे अच्छा बदला मैं सोच भी नहीं सकता। यार बोला ना, सॉरी। राहुल भैया, राहुल! राहुल! जय, राहुल को तैरना नहीं आता। अरे, तैरना तो मुझे भी नहीं आता। सब तेरी वजह से हुआ है, चल अब शादी कर। सॉरी पूजा जी, वैसे थप्पड़ खाने का इतना मजा मुझे आज तक नहीं आया था। कन्या को बुलाइए जल्दी। चलो सब तैयार है। एक मिनट, पूजा जी। अरे मुस्कान, क्या हुआ? धीरू भैया, एक बार फेरे हो जाते ना तो कुछ नहीं कर पाते थे भैया। धीरू भैया, वाह बाबा, वक्त पे पहुंच गए हम। बाबा शादी अब तक नहीं हुई है, पता आपकी नाक कट जाएगी, हम फोन करते हैं। अरे कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? अभी आता हूँ मैं। मैं अभी आता हूँ। जाने दे, देखिए गोली मार देगा वो। यार ये लड़कियों के भाई गुंडे क्यों होते? विजय, देखिए हम मुस्कान से बहुत प्यार करते हैं वीरू भैया, देखिए ये ठीक नहीं कर रहे हैं। This is hooliganism. You don't know who I am. I'll take you to court. हम दोनों पाले गए। पुलिस में कंप्लेन करेंगे। अरे जय, गोली दाग, गोली दाग। अरे गोली कैसे दागू? मेरी पिस्तौल से, गन से। कल पिस्तौल निकली थी यार। अरे वो निकल जाएंगे। Are you serious? नकली पिस्तौल, नकली। उस पिस्तौल की बदौलत तू मुझसे 30 घंटों से पागलों की तरह गाड़ी चलवा रहा है। कभी गगल टू शिमला, शिमला से मनाली, मनाली से जाने कहाँ? और वो पिस्तौल नकली थी। हाँ नकली थी साले।
देखिए प्यार के लिए पूजा जी ने सांपों के तालाब में छलांग लगाई थी कि नहीं, मैंने तो सिर्फ पिस्तौल नकली रखी थी। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, ओके? गोलू, राहुल भैया, मुस्कान, पूजा जी है वो, पूजा जी का आइडिया था। उन्होंने कहा कि वीरू भैया को धोखा देने का यही आइडिया है। वो नाटक करेंगे कि जय की शादी उनके साथ हो रही है। भैया जब घूंघट उठा के देखेंगे तो पूजा जी निकलेंगी और कहेंगी, मुस्कान वो कौन है, हम तो जानते भी नहीं। भैया चले जाएंगे और वेदी में आकर हम अपनी जगह ले लेंगे। तो पहले क्यों नहीं बताया हमें? टाइम मिला हमें, बाहर आते ही भैया ने पूजा जी को धर लिया। हमारी गलती नहीं है, हम भी मत चिल्लाए। उसके पास गन है और मेरे पास तो गन भी नहीं। अरे ये कर, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आई लव यू मुस्कान, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक राज की बात बताऊं आपको। अब क्या? हाँ, गन गन नहीं है, दुल्हन मुस्कान नहीं है, अब कौन सा नया राज बचा है साले? ओफो राहुल भैया, राज की बात तो ये है कि आप पूजा जी से सचमुच प्यार करते हो। हाँ, खोल दे मुस्का। वीरू भैया ये मुस्कान दीदी तो है ही नहीं है। कौन हो तुम? आप कौन है? मुझे मेरी शादी के मंडप से क्यों उठा ले आए? आपकी शादी जैसे और किससे? तुम मुस्कान कहाँ है? कौन मुस्कान? हम किसी मुस्कान मुस्कान को नहीं जानते। सॉरी, मैंने सोचा जय की शादी मेरी बहन मुस्कान से हो रही है। अगर तुमने गलत सोचा तो उसमें मेरा क्या कसूर? फौरन मुझे वापस छोड़ के आई हूँ। इडियट, इडियट किसको बोली? राहुल भैया, ये तो वापस मंदिर की तरफ जा रहे हैं। रुको रुको, मेरे होने वाले पति। अरे यार, बाइक में बैग क्यों नहीं है? अच्छा चल, आजा आजा, चल जल्दी जल्दी। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को किडनैप करने की? क्या पकड़ा है? तेरी पत्नी? नहीं, अरे नहीं, इसके कहने का मतलब था मेरी पत्नी। तेरी पत्नी? मेरी होने वाली पत्नी। वीरू भैया, यस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जय के होने वाली पत्नी को किडनैप करने की? प्यार से, प्यार से। वीरू जी, अभी बोला मेरी पत्नी, अब बोल रहा है जय की होने वाली पत्नी। क्या बकरा है? क्या बकरा है? वीरू भैया, ये मेरे होने वाले पति। ए चुप, कंफ्यूज कर दिया ना तुम लोगों ने वीरू भैया को। वीरू जी, ये पहले मेरी पत्नी थी, अब हमारा तलाक हो गया है, अब तो ये जय की होने वाली पत्नी है, समझे? सिंपल। अब हम चलिए भैया जी, क्या है ना, इनकी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है ना। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो। बॉस, दाल में कुछ काला है। जय पहले बोला मेरी पत्नी, हमको तो लगता है आपको टोपी। अगर इसने रोका तो तू जल्दी से जाके शादी कर लेना, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। वीरू भैया बुला रहे हैं। वीरू भैया, मेरी बात तो सुनिए। वीरू जी, बात तो सुनिए प्लीज। वीरू भैया, वीरू भैया, साले बोल कहां मुस्कान? अरे मेरी बात तो सुनिए। ये ठीक रहेगा। क्या कर रहे हैं? ये हमारी पंडितानी का गमछा है, हमारी शादी के समय का। पहले हमारी मोटरसाइकिल चला के भाग गए थे, अब ऐसे शादी होती है क्या? पंडितानी को पता चला तो इसी गमछे से हमें सुली चढ़ा देगी। बोल कहाँ है मुस्कान? बोल। मुझे कैसे पता? पूजा, तुम्हें पता है नुकसान? सॉरी सॉरी सॉरी, आई मीन नुकसान कहा है? कौन नुकसान? अरे नुकसान नहीं रे, मुस्कान। देखा, जिसका नाम नहीं पता उसका आता पता, हमें कैसे पता? हाँ बाबा, पता है आपकी नाक कट जाएगी। बाबा मैं कोई टोपी नहीं पहना रहा है, बाबा बेवकूफ नहीं है, नहीं है बेवकूफ। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बेवकूफ, बेवकूफ और सिर्फ बेवकूफ, बेवकूफ बचपन से। That's very sad यार, ये पाप है कैसा ही। बॉस, ये आपको टोपी पहना रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ भाई, कन्या के पिता को बुलाइए, कन्यादानम कौन करेगा?
पिताजी, अरे पंडित जी, आप ही बन जाइए ना पिताजी। अरे ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे, क्या पंडित के बच्चे ऐसे ऐसे? चलिए विधि कराइए। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधि के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल भगवान विष्णु मंगलम गणो ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। चलिए चलिए, हो गया, उठे निंदन्तु नीति पुनाय दिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टे गच्छत्वाय। ला जाओ, हम कौन करेगा, भाई को बुलवाइए। अरे मरवाएगा क्या? क्यों, भाई नहीं है क्या? अरे भाई है, टाइम नहीं है, तू ही बन जाना पंडित भाई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मैं बाप बना था, भाई कैसे बन जाऊं? अच्छा ठीक है, बिजली बाबा को भाई बनाते हैं, बिजली बाबा बन जाए इनके भाई। चलिए भाई मिल गया, आगे बढ़िए। सखा सप्त पदा भवा सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन्हें दीजिए प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम। अब इनको दे दीजिए। सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चासुम नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। डालिए इसमें अग्नि में। अबे जब यही डालना तो डायरेक्ट क्यों नहीं बोला, घुमा फिरा के टाइम क्यों खराब कर रहा है तू पंडित? बोला ना टाइम नहीं है। विधि होती है जजमान, हमको ये ढोंगी पंडित नहीं है, आप चाहो तो किसी और को। अरे नहीं 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 पंडित जी, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी तो बोल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जरा जल्दी से बोल के दिखाइए। सखा सप्त पदा भवा। माल गाड़ी, जल्दी बोला जल्दी। सखा सप्त पदा भवा। अरे स्लो ट्रेन। सखा सप्त पदा भवा। 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 हो गई शादी संपन्न, आप दोनों आप पति पत्नी बन गए हैं। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी, खुश रहो, बड़ा सुखी रहो। भैया हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं अब में से धूमल हो गई हूँ। हाँ बाबा, अरे मिलेगी तो रोकेंगे ना, तो गलत लगा था। अरे नहीं है मेरे को, दिन में ये भी कोई वक्त होता है शैंपेन पीने का? दिन में रात में मौत कौन सा हमें बता के आती है राहुल? क्या कर रही हो पूजा, हर जगह गिरा रही हो, तुम कितनी मैसी हो। उफ, तुम कितने फसी हो राहुल। शुरू हो गया इनका। राहुल मैं तुम्हारी तरह बात करने लगी हूँ। और मैं तुम्हारी तरह याक। हे, एक आइडिया है, क्यों ना हम सब एक साथ हनीमून पे चलें दोबारा।
पागल हो, एक ही तो वैन है, हम सोएंगे कहाँ? ये नहीं हो सकता। किसने कहा? डिस्कशन किया? हम सोएंगे स्लीपिंग बैग्स में बाहर, वो सोएंगे वैन के अंदर। अरे 10 दिन घूमेंगे, वादियों में मस्ती करेंगे। बोलो डन 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 जी डन। हेलो बेटा। हाँ मामा। पापा। मुस्कान मैं क्या सोच रहा था कि हम ना अपने हनीमून पे ये मोबाइल फोन वगैरह बिल्कुल नहीं रखेंगे, है ना? बिल्कुल रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? डन डन बिल्कुल रखेंगे। पियो पियो। मैं तो गया। तेरे बिना नहीं जाते। प्यास तू मेरी, प्यास तू सांस का एहसास तू। तेरे दिल माने ना माने ना माने ना ना मन मत मारा मोरा जिया। तेरे दिन जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया तेरे दिन तो मैं क्या जिया। तेरी तलाश में फिरूं खोया रे खोया खोया मैं तो तेरे बिना। तेरे बिना नहीं लागे जिया। 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 धड़कनों की सदा न सांसों का शोर है, इश्क ही इश्क बस मेरे चारों ओर है। तेरी तलाश में फिरूं खोया रे खोया रे खोया खोया मैं तो।